राजधानी के राजस्थान विश्वविद्यालय में एनएसयूआई की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी को चालू करवाने की मांग को लेकर किया गया। छात्रों ने पहले लाइब्रेरी के बाहर प्रदर्शन किया और फिर रैली के रूप में विश्वविद्यालय के गेट पर पहुंचे। इस दौरान छात्रों ने विश्वविद्यालय के गेट को बंद भी कर दिया और ऐसे में पुलिस प्रशासन की समझाइश के बाद छात्र कुलपति सचिवालय पहुंचे और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों ने बताया कि लंबे समय से विश्वविद्यालय प्रशासन से लाइब्रेरी चालू करवाने की मांग की जा रही है, लेकिन प्रशासन इस मामले की ओर कोई भी सुध नहीं ले रहा है। एनएसयूआई संगठन की आज मुख्य मांग है, जो राजस्थान विश्वविद्यालय में अभी नई लाइब्रेरी का निर्माण हुआ है वो कंप्लीट है, लेकिन ये संघी वीसी इसको चालू नहीं कर रहा। आज एक साल हो गए इसको कंप्लीट हुए। हमने वीसी साहब को ज्ञापन, प्रदर्शन, जो भी लोकतंत्र में हथियार हमने अपनाया, लेकिन वीसी साहब मूक दर्शक बनकर बैठे हुए हैं, इन पर कोई ध्यान नहीं दे। ग्रामीण परिवेश से छात्र छात्राएं यहाँ पढ़ने कोई आस उपेक्षा लेके आता है, उसको इन्हें इस बीसी ने इतना मतलब गपड़ाबाजी कर रखा है राजस्थान विश्वविद्यालय में। आप बीकॉम का रिजल्ट देख लीजिए, कहीं मतलब इन संघी बीसी को अवगत कराना चाहते हैं। ये छात्र जितने बोल हैं, जितने क्रोधित भी होंगे और लोग स्टूडेंट सड़कों पे आएंगे।